इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रद्धा जब तपती है तो भगवान की कृपा बरसती है, फिर भगवान की ही आज्ञा से विश्वास से उसका विवाह होता है। संशय जब तक जलेगा नहीं, श्रद्धा प्रकटेगी नहीं। श्रद्धा कितनी भी हो, जब तक भगवत भजन नहीं होगा तब तक विश्वास का वरण नहीं होगा, और विश्वास जब तक श्रद्धा के साथ विवाह नहीं करेगा तब तक राम कथा सुनने को प्राप्त नहीं होगी। जो आपको प्रातःकाल समझा रहे थे, सती मैया संशय, साथ रहने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ हमारा पूरा विश्वास है। साथ रहते हैं लोग, कुछ नौकर बन के रहते हैं, कुछ भाई बन के रहते हैं, कहते हैं मेरे भाई जैसे हैं, ये मेरे पुत्र जैसे हैं, ये मेरे मित्र जैसे हैं, इनको अपना ही समझिए। जहाँ समझना पड़े वहाँ संशय है, और आप सदैव स्मरण रखिए, संशय किसी का नुकसान नहीं करता छोड़ अपने। संशय सदैव अपना शत्रु है। कथा में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, यदि संशय है कल्याण नहीं होगा। संशय को जलना ही पड़ेगा। लाख विश्वनाथ के साथ रहे, लाख कथा सुने, संशय को जलना ही पड़ेगा। हाँ, जब संशय जलेगा, गलेगा, स्वरूप को विलीन करेगा, तब श्रद्धा प्रकटेगी। इसलिए जीवन में पहला अभ्यास करें, संशय को जलाओ। मैं कभी संशय में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। इनमें से भी जो मेरे साथ मेरे को ठीक से समझते हैं वो जानते हैं कि प्रेम भूषण कभी संशय में रहा ही नहीं। आज तो बढ़िया बढ़िया पंडाल वाले लोग बैठे, बढ़िया बढ़िया एक से एक। हमने कभी ये सोचा नहीं कि पंडाल तो बहुत है, लेकिन कथा सुनाऊंगा तो सुनेंगे कौन। 19 साल से यही सुन रहे त्रिदेव बाबा, कोई कथावाचक बाबा को नहीं बुलाता, हम बुलाते हैं, सुनो कथा। आपे तो प्रधान सोता है भाई, जो मिठाई बनाएगा वो लाख सुगर हो चखेगा जरूर, हमारे प्रधान जी जरूर चखते हैं, लाख बीमारी घेरे। तो बाबा प्रधान वक्ता है, प्रधान श्रोता है, और बाबा विश्वनाथ साक्षात विश्वास स्वरूप। सती जी आई संशय स्वरूपा हैं, कोई बाबा को संदेह नहीं। हमारा तो विश्वास है, तुमको विश्वास न हो तो परीक्षा करो। शिव जी ने ऐसा नहीं किया कि समझाया नहीं, अपना जो है उसको समझाना अवश्य चाहिए। समझेगा वही जिसकी समझदानी ठीक ठाक होगी। यदि बर्तन में रखने की पात्रता नहीं है तो अरे मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले ही बिरंच सम। गोस्वामी जी ने रावण के लिए कहा, पूलई परई की बेत जदपि सुधा बरस ही जलद। मेघनाथ यानी मेघराज महाराज अमृत की वृष्टि करें तब भी बेत में फूल नहीं लगता, फल नहीं लगता, वो तो बस खड़ा खड़ा दंड है।
उसी प्रकार जहाँ संशय है वहाँ विश्वनाथ समझावें, जगन्नाथ समझावें, यदुनाथ समझावें, तिरुपति नाथ समझावें, वो खुदे नाथ है। ऐसा नाथ जो खुदे नथाया रहता है तो संशय कभी नहीं किसी अवस्था में, नहीं किसी व्यवस्था में, नहीं। विश्वास, कितना विश्वास? जितना शिव बाबा का विश्वास। यदि संशय रहेगा कोई बात नहीं, जलना होगा, गलना होगा, समाप्त करना होगा, फिर श्रद्धा प्रकटेगी। मैं राजकुमार बहुरानी को कह रहा था, देखो तुम ये आटा टाटा में चक्कर में ना पड़ो, हम नौ दिन आए हैं, गुप्त पूजन करो प्रातःकाल और कथा श्रवण करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी जितनी श्रद्धा उसको उतनी फल की प्राप्ति। श्रद्धा नहीं है कुछ नहीं। नव दिन का ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान को निष्ठापूर्वक हृदय से, दिमाग से नहीं दिल से खूब रमो, आनंद करो। यह बढ़ी, ई बढ़ी तो यह जन्म में इतने यशस्वी पिता की संतान हुए हम, अगले जन्म में और यशस्वी पिता के घर में, माँ के कोख में जन्म प्राप्त होगा। जो क्रमाण, कल कोई भाई प्रश्न कर रहे थे, महाराज भाग्य और कर्म दोनों में कौन श्रेष्ठ है, किसको अधिक महत्व दिया जाए? कर्म को, कर्म से ही भाग्य है। भूत कुछ होता नहीं, हम भूत को मानते नहीं है। कई लोग कहते हैं जीवन में बहुत कष्ट काटा तो खोपरी पर लिख के टांग लो, बोरा पर सोए थे, उससे क्या लाभ होगा? तुमने बहुत कष्ट काटा तो उसका बार बार स्मरण क्यों करते हो? जो प्रभु ने दिया है इसको आनंद के साथ भगवान में अर्पित करते हुए आगे बढ़ो। कई लोग बताते हैं स्टोरी, इतना बताते हैं, हम कहते हैं चुप रहो यार, तुमने कष्ट काटा हमको कष्ट में क्यों डाल ले सुनाकर? कभी नहीं। अपने बुरे दिनों को आप केवल स्मरण में इसलिए रखो कि मैंने कठोर तप किया। अपने बच्चों को पिछला मत बताइए, वर्तमान में क्या करना है ये बताइए। नेवर रिमेंबर भूत, पास्ट में क्यों जाना? वर्तमान जिसका जितना व्यवस्थित है उसका भविष्य उतना दिव्य होगा, यही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य बनता है। जिसने कर्म दिव्य किया, सती जी ने जैसा किया वैसा किया, जब पार्वती मैया का स्वरूप धारण किए हैं, कितना तप किया? कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बिल पाती मही परय सुखाय, तीन सहस संवत सोई। 3000 वर्ष तक मां ने बिल्व पत्र पाया, क्यों? यह पता लग गया शिव जी को बिल्व पत्र से बड़ा प्रेम है। किसको किस वस्तु से प्रेम है, किसको किस प्रकार के विहार से प्रेम है, यह जानकारी हो जाए तो थोड़ा व्यवहार में आसानी होती है। स्वभाव का, एक हमारे मित्र हैं कहा करते हैं, स्वभाव का पता चल गया तो व्यवहार में कठिनाई समाप्त हो जाती है। स्वभाव का पता चलना चाहिए, और स्वभाव में नहीं पता चला, साथे में चल रहे हैं, फिर बहुत मुश्किल होती है। यदि किसी का स्वभाव पता चल गया तो उस स्वभाव के हिसाब से हम उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, सरलता रहती है, कोई कठिनाई नहीं। माँ को शिव जी का स्वभाव पता चल गया, क्या शिव जी को राम जी से बड़ा प्रेम है? राम अर्थात बेलपत्र, र आ और म, प्रेम है। माँ ने बिल्व पत्र छोड़ा तो नाम हुआ अपर्णा। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, अपर्णा मैया की जय। फिर माँ ने कठोर तप, आकाशवाणी ने कहा, ब्रह्मवाणी बोली, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक दीन मुनि ग
ज्ञानी भये अनेक धीर मुन ज्ञानी भये अनेक धीर मुन ज्ञानी। ऐसी तपस्या धीर मनस्वी और ज्ञानी नित्य अनित्य के विवेक को के पार की, ऐसे लोग भय, ऐसी तपश्चर्या किसी ने करी नहीं। आपको सप्तऋषि मिले तो हमारी वाग को आप सत्य जानिएगा। पिताजी बुलाने आए घर जाइएगा, माँ भगवती पार्वती जी कठोर तप की अर्थात श्रद्धा तपी, पिताजी के पास पहुंची, भगवान शिव माँ सती के युगाग्नि में प्रवेश कर जाने के कारण से थोड़े क्रुद्ध हो गए। जबते सती जाई तनु त्यागा तबते शिव मन भयव विरागा। जीवन में ये तीन बातें होती हैं, एक अयोग, एक संयोग और दूसरा वियोग। अयोग क्या है? हम भगवान से जुड़े नहीं हैं, जुड़ने वाले हैं, ये अयोग है नहीं है। हम तो हैं लेकिन प्रभु से हमारा प्रेम नहीं है, प्रभु में हमारा रमना नहीं है, ये अयोगावस्था है। अयोग हमारा जुड़ाव नहीं है, ये अयोग है। हम जुड़ गए ये संयोग है, और जुड़ने के बाद हम न जाने किस कर्म के फल से अथवा भगवान की रामलीला से रासलीला से हम अलग हो गए, यह वियोग है। संयोग की अवस्था अच्छी है, वियोग की अवस्था अच्छी नहीं है। परंतु भक्ति क्षेत्र में भगवत प्रेम में संयोग से अधिक वियोग श्रेष्ठ करे। संयोग में तो विस्मरण हो सकता है परंतु वियोग में विस्मरण नहीं होता। आपका जिससे प्रेम हो, जिसके प्रति आपको लगाव हो, आप उसके साथ रहो, आपको कुछ नहीं होगा। साथ हैं सामान्यतः रहते साथ में, परंतु जब उससे आप अलग होंगे तो आप काशी जी की ओर जाएंगे, वो प्रयाग की ओर जाएगा, वो भी बात भले किसी से करे स्मरण आपका करेगा, आप भी स्मरण आप उसका करेंगे, ऐसे करते करते दूर जाएंगे। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना वियोग का प्रेम दृढ़ होगा। योगा अवस्था संयोगा अवस्था से भी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।